हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज भाई अपन खेलने वाले सेटिस्फैक्टरी, और फाइनली हम आ चुके हैं भाई एक और एपिसोड लेके। सो रिसेंटली एपिसोड में यार हमने अपना जो है कोल पावर प्लांट जो अपग्रेड किया था, ओके। और लास्ट वाले एपिसोड के बाद में मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है ठीक है, क्योंकि उसके लिए मेरे को ग्लास विंडो इस्तेमाल करनी है और वो अभी अनलॉक नहीं हुई है। उसको अपन बनाएंगे बाद में, साथ ही साथ मैंने वहाँ पर मशीनें भी जो है एक्सटेंड कर दी हैं। अगर यहाँ से नज़र आ रही हो तो मैंने एक सेकेंड फ्लोर पर बना के और मशीनें भी बना दी वहाँ पे। ओके सो हम वहाँ पे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज अपने को काम करना था वो था भाई फाउंड्री का। ओके यहाँ पे अपने को बनाना था स्टील इंगट, और ये बनता है भाई आयरन और कोल से मिलके स्टील इंगट बनता है। सो क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए यार अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पाइप की और स्टील बीम की। नेक्स्ट ईयर पे यार कुछ मशीनें हैं जो अपने को अनलॉक करनी है पहले ही। सो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो अपना कोल के दो माइंस बनाए और माइनर बना के और इसी स्टोरेज में स्टोर करा, एंड यहाँ से आयरन और ठीक है मैंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे मैंने स्टोर किया था, इसके अंदर पड़ा भी हुआ है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ से क्राफ्ट करके और स्टील इंगट बनाए पहले हाथ से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टील पाइप बना ली करीब 462 और 135 स्टील बीम बना ली, क्योंकि अपने भी यार रिसर्च भी करनी है। सो चलो भाई वहाँ पे चलते हैं। काफ़ी टाइम लगा यार ये डेकोरेशन वगैरह करने में, ओके। और पर इसमें कुछ ट्रैक भी बना दिया ताकि अपन नीचे उतर के जा सके, वहाँ पे कुछ बनाना हो तो अपने को, ओके। बस यहाँ पे जो अपने वाटर एक्सट्रैक्टर नहीं बनाए मैंने, और बाकी सारा सेटअप मैंने यहाँ पे कर दिया कोल पावर प्लांट पे। सो अभी हम ऊपर चल के देखने वाले हैं कि भाई क्या कुछ मैंने किया है, ठीक है। पहले अपनी यहाँ से जनरेट होती भाई 1200 मेगावाट, अभी भी 1200 मेगावाट ही हो रही है, बट मैंने मशीनें जो एक्सटेंड कर दी करीब 1500 मेगावाट और बनाने के लिए। सो उसके बाद अपने पास हो जाएंगे 2700 मेगावाट, ओके। सो यहाँ पे देख रहे हो भाई ये वाली मशीन के ऊपर मैंने ट्रैक बना दिया, ठीक है। ये जो अपडेट 5 का पार्ट है, क्योंकि पहले जो मशीन के ऊपर अपन कुछ और मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे पहले, जस्ट ये वाली मशीन है, ओके। तो इसका पूरा बॉक्स बनता था पहले एक ऊपर, यहाँ तक इस यहाँ तक इसके पोल के ऊपर तक। सो यहाँ पे अपन कुछ नहीं बना सकते थे, लेकिन अपडेट 5 में उन्होंने नया सिस्टम ऐड किया है सॉफ्ट क्लियरेंस और हार्ड क्लियरेंस का। तो यहाँ पे अपन अब भी जो है ये बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मशीनें बना दिया, और नीचे अपनी मशीनें कम है क्योंकि नीचे मैंने यहाँ से बीच में से गैप दिया था, ओके। इस वाले मैंने गैप नहीं दिया है। सो यहाँ पे करीब है अपनी 10 मशीनें, ठीक है। 10 मशीन इस तरफ है और 10 मशीनें अपोजिट साइड में। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग भाई जो मैंने एक सेटअप किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। बेसिकली होता क्या था कि जैसे अपना कॉल एंट्री करता था ना लाइन के अंदर, पहले क्या होता था कि पहली वाली मशीन फिल होगी कंप्लीट, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली, ठीक है। मतलब लास्ट वाले में कम जाएगा, पहली वाली में ज़्यादा जाएगा। सो पहली वाली जल्दी भर जाती थी। सो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा सिस्टम किया है कि सबके अंदर ना जो इक्वली जाएगा, एक एक इसके अंदर जाएगा तो एक इसके अंदर जाएगा, एक इसके अंदर जाएगा, ठीक है। वैसा सिस्टम मैंने यहाँ पे बनाया। सो मैं बता देता हूँ मैंने सब कैसे किया, ओके। सबसे पहले मैंने एक स्प्लिटर बनाया यहाँ पे, ठीक है। इस स्प्लिटर से मैंने 3 मशीनों के अंदर भेजा, 1 2 एंड यहाँ से 3, ठीक है। 3 मशीनों के अंदर चला गया, ओके। एंड इसी तरह से ये नीचे वाले से 3 मशीनों के अंदर, एंड आगे 2 मशीनों के अंदर, क्योंकि 120 की लाइन भाई 8 ही मशीन हैंडल कर सकती है, ओके। उसके बाद इसके एंट्री पॉइंट इस साइड में रखा मैंने। सो यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट हो गया, और नीचे वाले का एंट्री पॉइंट इस साइड हो गया, एंड थर्ड वाले का एंट्री पॉइंट वो वहाँ पे थर्ड वाली मशीन अपनी, ठीक है, ओके। सो इस वाले का एंट्री पॉइंट यहाँ पे। सो अभी अपने पास 3 लाइनें हो चुकी, एक लाइन ये हो चुकी है, ठीक है, दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन ये वाली, ठीक है। सो इन तीनों लाइनों को मैंने फिर से एक स्प्लिटर के अंदर कनेक्ट कर दिया। सो ये वाली लाइन यहाँ से चली जाएगी, नेक्स्ट वाली यहाँ पे, और ये वाली जो यहाँ से आ जाएगी, ओके। एंड इस वाली का मैंने कनेक्शन रखा है इनसाइड वाला इस तरफ, ठीक है। सो यहाँ से अपन कोई भी लाइन लेके आएंगे सो वो वहाँ पे जा सकती है। सो इस तरफ हो गया भाई अपना 8 8 मशीनों का सेटअप, एंड लास्ट में 2 मशीनें और बची हुई हैं, ठीक है। उन दोनों को एक स्प्लिटर से मैंने कनेक्ट किया है, बाकी अभी इसका मैंने कंप्लीट लाइन का सेटअप जो नहीं किया है यहाँ से, ओके।
अपोजिट साइड में भाई टोटल 10 मशीनें, सो 2 मशीनें यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाती है वाली, सो 2 मशीनें ये और 2 मशीनें उस तरफ के, तो 4 मशीनें हो जाएगी, मतलब कि 60 पे चल जाएगी 4 मशीनें। और सेम टू सेम उसी तरह से इस तरफ का भी सेटअप किया हुआ है मैंने, एकदम परफेक्ट। ओके, ये वाला जो अपना इनपुट रहेगा यहाँ से, ओके ये वाला, तो यहाँ से अगर अपन एंट्री कराएंगे तो सबके अंदर इक्वली जाएगा, ठीक है। सो ये वाला अपना परफेक्ट सिस्टम रहेगा, ओके। और सबको मैंने कनेक्ट कर दिया पावर पोल वगैरह से दोनों साइड से, और यहाँ पे मैंने कुछ वॉल पेपर वगैरह बना दिए हैं, प्लस नई छत जो आई है रूफ वो बनाई है मैंने यहाँ पे, ओके। और जो मेरा प्लान है यहाँ पे यार, ग्लास विंडो बनाने का है, ओके। सो ग्लास विंडो यहीं पे है कहीं पे, वॉल्स यस ये, ठीक है यार। इसके लिए अपने को सिलिका चाहिए, उसका भी प्रोडक्शन अपन ट्राई करेंगे कि भाई आज करने का, ओके। सिलिका इसमें भी सिलिका चाहिए, सिलिका सिलिका सब पे सिलिका चाहिए भाई विंडो पे तो। ओके, सो अपन ट्राई करेंगे कि भाई सिलिका का प्रोडक्शन अपन करवा लें आज। सो उसके बाद अपन विंडो वगैरह और ये डेकोरेशन वगैरह भी यार अपने को बहुत कुछ करना है। सो धीरे धीरे अपन सब कुछ करने का ट्राई करेंगे, साथ साथ में डेकोरेशन वगैरह और पेंट वगैरह सब मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ग्लास विंडो बना के थोड़ा डिजाइन विजाइन बनाने का ट्राई किया है। सो आई होप यार ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। मेरे को तो यार मस्त लग रहा है डिजाइन, बाकी अभी कंप्लीट होने के बाद और भी बढ़िया लगेगा। इनके नीचे सपोर्ट पिलर्स भी लगेंगे, सो मस्त लगेगा, ठीक है। सो अभी अपन जाने वाले भाई यहाँ पे, और भाई कुछ रिसर्च अनलॉक कर लेते हैं सबसे पहले, ओके। उसके बाद वापस यहाँ पे आके और स्टील इंगट वगैरह का प्रोडक्शन अपन स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, एकदम मस्त रास्ता बनाया मैंने यहाँ पे जाने के लिए, पूरा ट्रैक्टर को लेके घूम सकते इधर अपनी गाड़ी जो है। सो चल भाई, तो यहाँ पे रुक जा, ओके। सो यहाँ पे चल के देख लेते हैं, यहाँ पे आप पे। सो यहाँ पे दिखाया हो भाई टीयर 4 पे एडवांस स्टील प्रोडक्शन, तो यहाँ पे भाई माइनर MK2 है यार, ये मेरे को चाहिए सबसे पहले, ओके। क्योंकि ये नॉर्मल पे ना 120 रिसोर्सेज निकालता है नॉर्मल नोड पे, सो हम ये उठा लेते हैं यार पहले। सो उसके लिए वायर्स चाहिए, तो वायर में उठा के ला रहा हूँ पहले। नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, यहाँ पे वायर्स पड़ी हुई हैं, तो देखते हैं वायर्स हो जाएंगे क्या कंप्लीट। और हाँ, वायर्स हो गई, तो ये वाली रिसर्च जो पहले का डालते हैं ताकि स्पेस खाली हो जाएगा थोड़ा। ये नाइस, फाइनली। Milestone reached. Logistics can be improved with a larger storage container, enhanced conveyor belt efficiency, as well as the ability to store excess power for later use. An additional project part can now be constructed. Further progress to the next phase is now possible. ओके, सो मेरे को यार एनकैश बीम बनानी पड़ेंगी, ठीक है, एनकैश इंडस्ट्रियल बीम। तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन बना लेंगे, ओके। क्योंकि माइनस बनाने के लिए मेरे को स्पेशली यार ये चाहिए, एंड इसके अलावा तो शायद बाकी तो प्रोडक्ट थे अपने, ठीक है। सो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहीं पे देख लेते हैं अगर अपन। यार ये रिसर्च मेरे को करनी है, मेरे को दो यार ये ढूंढ के लेके आ रहा हूँ, इन्वेंट्री स्लॉट यार मेरे को पहले बढ़ाने हैं। सो क्या करता हूँ मैं, बंदे फाइंड करता हूँ फिर तो, ठीक है। ट्राई करते हैं दो, मतलब जो आग फेंकते हैं ना वो वाले। और यहाँ पे यार एक हार्ड ड्राइव और पड़ी, अरे यार ये तो काफ़ी टाइम से मैं भूल ही गया, हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है यहाँ पे एक। सो हार्ड ड्राइव उठाते हैं सबसे पहले और इस रिसर्च करते हैं इससे, ठीक है। इसके लिए एक ये चाहिए होगी मॉड्यूलर फ्रेम, ओके। अरे आ जाओ, एक हार्ड ड्राइव मिल चुकी है अपने को। सो हार्ड ड्राइव इसको रिसर्च पे लगाते हैं, देखते हैं Data क्या on the रेसिपी hard आती है, drive ओके। has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. यस, हार्ड ड्राइव एंड स्कैन। सो 10 मिनट लगते हैं हार्ड ड्राइव के स्कैन होने में गाइस। सो मैंने यार काफ़ी ट्राई करा बट नहीं मिला भाई, ठीक है। वो तो जैसे मिलेगा भाई वैसे ही मिलेगा, ठीक है। अपने पास अभी भी 3 ही है ओनली, तो फिलहाल तो अपन नहीं कर सकते यार वो रिसर्च जो मेरे को करनी थी यार, ठीक है। सो अभी यार यहाँ पे कुछ अपनी हार्ड ड्राइव वाली रेसिपी निकल चुकी है। सो अपने को यहाँ पे अल्टरनेट एक रेसिपी चूज करनी पड़ेगी जो अपने लिए मतलब सही रहेगी। सो अल्टरनेट ब्लूप्रिंट कॉपर अलॉय इंगट। सो कॉपर के लिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो इसको बैक करते हैं, एक मशीन बनानी पड़ेगी अपने को, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, सो ये वाली, ठीक है। सो 30 कॉपर पे 30 इंगट बनता है, ठीक है। ग्रेट। और यहाँ पे कितना मिल रहा है अपने को,
10 पे 20 मिल रहा है, बस अपने को 5 आयरन और देना है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, मतलब इस गेम में सबसे ज़्यादा जो माइंस है वो है आयरन ओर की। सो अपने लिए बेस्ट रेसिपी ये रहेगी, ठीक है। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, स्टील बीम को, इससे काफ़ी स्क्रू बनते वैसे तो, ये सही है, बट ये वाली ज़्यादा सही रहेगी। ओके सो इसको चूज कर लेता हूँ मैं, एंड ओके। चलो भाई, कहाँ पे वो रिसर्च, ये रही, ठीक है। सो इसको होने में 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो ये रिसर्च में लगा देता हूँ, 5 मिनट में जो ये रिसर्च हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। एंड स्क्रू यहाँ पर रख देते हैं, सो एक स्क्रू मैं ले लेता हूँ वापस, और बाकी के जितने भी रिसोर्सेज है ना, सारे सारे वापस। यस, तो यहाँ पे अगर अपन चल के देखें तो स्मार्ट प्लेटिंग है जो, वो बनती है भाई रेनफोर्स आयरन प्लेट और रोटर से। सो इनका एटलीस्ट यार प्रोडक्शन करवा के चल देते, ताकि स्मार्ट प्लेटिंग जो है धीरे धीरे बनती रहे, क्योंकि स्मार्ट प्लेटिंग की यार अपने को जरूरत पड़ने वाली है स्पेस एलिवेटर में। सो एक बार वो भी देख लेते हैं अपनी स्पेस एलिवेटर का, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो भाई, 500 स्मार्ट प्लेटिंग चाहिए, 500 चाहिए वर्सेटाइल फ्रेमवर्क। सो ये तो शायद आज अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम इसका प्रोडक्शन कर लेंगे, और इसके लिए भाई स्टार्टर लगेगा, ठीक है। सो चलो ये एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं अपन। ओके सो यहाँ पे अब भाई अपनी रोटर आ रही है, और यहाँ पे स्मार्ट प्लेट जो रीइंफोर्स आयरन प्लेट अपने पास। सो बस इन दोनों का सेटअप अपने को करना है। सो करना है क्या है, बस कुछ नहीं करना, मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके और एक मशीन बना दे रहा हूँ जो बनाती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। ज़्यादा फास्ट बनाने की तो अपने को कोई ज़रूरत है नहीं। चल भाई यहाँ पे बन जा, एंड ये जाके कनेक्ट इसके अंदर हो जाएगी, और यहाँ से इसके अंदर। ओके, इस वॉल को कर लेता हूँ मैं डिलीट। सो दो यहाँ पे हो जाएगी, एंड यहाँ पे हो जाएगी भाई अपना स्टोरेज इसके पीछे से, और यहाँ पे एंट्री। इसके अंदर सेलेक्ट कर देते स्मार्ट प्लेटिंग, एंड इसको दे देते पावर। ग्रेट, चलो भाई यहाँ पे जो अपना स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्मार्ट प्लेटिंग का। सो धीरे धीरे स्मार्ट प्लेटिंग बनती रहेगी। ओके ग्रेट। ओके सो यहाँ पे भाई अपनी जो शॉप है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास 8 टिकट है, तो चलो यार कुछ बाय कर लेते हैं ना, काफ़ी टाइम हो गया बाय करे हुए। सो यहाँ पे ये हमने बाय कर लिया था, ये बाय करना था, ठीक है। जो बाय कर लिया ना, उस पर ये जो है डिसेबल आएगा, ठीक है। जैसे इस पर आ रहा है तो मतलब ये बाय नहीं किया है, इस पर नहीं आ रहा तो मतलब ये बाय कर लिया है। सो मेरे को एक तो यार ये चाहिए पिलर सपोर्ट, ठीक है, एक तो ये ऐड कर लेता हूँ मैं, और एक ये कर लेता हूँ बीम, 4 2 6। एंड उसके बाद ये हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। रेलिंग्स ले लेते हैं यार, 1 एंड 2, ठीक है, टोटल 8 हो गए। ये बाय कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भाई आ चुके हैं अपने पास नए पार्ट्स। सो स्टील से, स्टील बीम से बनेंगे, ठीक है, ये कंक्रीट से बन जाएगी, और ये स्टील बीम से बनेगी। ओके, कनेक्टर कंक्रीट से बनेगा, ठीक है, बीम कनेक्टर, बीम डबल कनेक्टर। ओके, एंड ये सब बनेंगे कंक्रीट से, और इसके लिए भी भाई स्टील बीम चाहिए होगी, ठीक है, सही है, ये तो नॉर्मली बन जाएगा, ठीक है। सो धीरे धीरे हम सब कुछ जो है अनलॉक कर लेंगे, नो वरी। एंड अभी चलते भाई अपन वापस। सो यहाँ पे क्या क्या सामान रखा था, मैं सब उठा लेता हूँ वापस से। सो गाइस, फाइनली मैंने 4 यार और फाइंड कर लिए, ये वाले और 3 अपने पास थे, ठीक है। मैंने अभी भी 2 बंदों को और मारे, मतलब दो जो डेंजरियस वाले थे जानवर, ठीक है, उन दोनों को न्यू टपकाया, और इक्विपमेंट बड़ी मुश्किल से अनलॉक्ड। अपने को मिला है भाई, ठीक है। सो कहाँ पे गया भाई ये इन्वेंट्री स्लॉट। सो ये मेरे को करना था। सो इसके लिए क्विक वायर, सॉरी वायर, वायर अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भाई फाइनली मैंने इसको रिसर्च पे लगाया। ओके, अब भी ठीक है फाइनली। एंड ये ले भाई वापस, तो थोड़ी सी वायर उठा के, और अभी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सेटअप और कर दिया था, ठीक है, और मैं तो रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कंटिन्यू, बट बाद में पता चला यार रिकॉर्डिंग तो करी नहीं हमने, ठीक है। सो वो मैं फटाफट चल के आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या जो सेटअप किया है अभी अभी। ओके सो नॉर्मली सिलिका और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मैंने एक एक मशीन बना के, और फटाफट उनका जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, ताकि अपने पास
थोड़ी एटलीस्ट विंडो वगैरह बनाने के लिए अपने पास रिसोर्सेज आ जाए। ओके सो अभी हम वहाँ पे चलने वाले हैं। सो इसी तरफ है यार वो लोकेशन। ब्रेक 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 ब्रेक। ओके सो यहाँ पे नीचे देख रहे हो मैंने एक माइनर बना के, और एक तो जो भाई सिलिका के लिए और एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए मैंने मशीन बनाई है, ठीक है। सो पी दबा के मैं दिखा देता हूँ, अगर जूम हो जाएगा तो ये नाइस। सो फर्स्ट वाली मशीन जो भाई अपनी सिलिका बना रही है, और सेकंड वाली बना रही क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो एक एक मशीन मैंने बना दी ताकि धीरे धीरे बनता रहेगा, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। ओके सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे एक ट्रैक भाई रेडी कर लिया है, एंड साथ ही साथ कुछ मशीनें भी मैंने बना ली हैं। सो आज मैंने मतलब जो डिज़ाइन बनाया है ना, ऐसा पहले कभी सेटिस्फैक्ट्री गेम में मतलब बनाया नहीं है। सो ये एक यूनिक डिज़ाइन है जो हमने आज पहले बार जो बनाया, ठीक है। सो चल के हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसे क्या बनाया हमने। सो भाई अब अगर अपन यहाँ पे चल के देखें, ठीक है, आर्किटेक्चर पे, सो यहाँ पे एक फ्रेम फाउंडेशन है, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल किया मैंने नीचे की साइड में, ठीक है, एंड इसके ऊपर जो है मैंने फाउंड्री बनाई है। ओके और सबसे खास बात जो है भाई इसकी, इस फ्रेम फाउंडेशन की, ठीक है, वो ये है कि अरे बंजा। ओके अगर अपन इस फ्रेम फाउंडेशन को बनाते ना, सो इसके बीच में ना जगह रह जाती है यहाँ से और यहाँ से, मतलब ब्लॉक बच जाता है। सो क्योंकि इसके अंदर दो इनपुट है ना, तो अपने को मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी। ओके सो मैनेजमेंट एक मशीन यहाँ पे बनाइए, एक मशीन यहाँ पे बनाइए और एक मशीन यहाँ पे बनाइए, ठीक है। तीन मशीनें बनाई मैंने एक लाइन से। सो यहाँ पे है जो स्प्लिटर है, सो यहाँ से अपनी जो लाइन अंदर आएगी, ठीक है, जो भी अपन भेजेंगे रिसोर्सेज, सो यहाँ से तीन हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा यहाँ पे जाएगा, सेकेंड हिस्सा यहाँ पे जाएगा और थर्ड हिस्सा जाएगा नेक्स्ट वाली मशीन में। सो मतलब तीनों में इक्वल जाएगा। सो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि सब में इक्वल जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि दो लाइनें हैं तो दूसरी वाली अपन लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे देख रहे हो स्पेस है इसके अंदर। सो यहाँ पे मैंने एक स्प्लिटर डाला है और इस वाले स्प्लिटर से एक लाइन इसके अंदर चली जाएगी यहाँ से ऊपर, एंड यहाँ से सीधा इसके अंदर से होते हुए ऊपर, एंड नेक्स्ट ऐसे थर्ड वाला है। ओके इस तरफ, सो यहाँ से भी ऊपर चले जाएगी, एंड ये जो लाइन रहेगी अपनी इनपुट की रहेगी। सो मैंने यहाँ से लाइन घुमा के और इधर से ले आया हूँ, ठीक है। थोड़ा इसमें काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है इस सेटअप में, बट दिखने में काफ़ी मस्त लगता है यार ये सेटअप। ओके एंड सबके अंदर रेसिपी स्टार्ट कर दी है, साथ ही साथ जो एक मशीन है ना भाई वो 45 निकालती है पर मिनट। सो अगर तीन मशीनों को अपन काउंट करेंगे तो ये करीब बनेगा 135, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हो यार 135 तो। और अपनी जो लाइन है वो है 120 की। सो मैंने क्या करा है कि हर एक लाइन को 40 पे सेट कर दिया है, ठीक है, टारगेट रेट मैंने इसका 40 कर दिया ताकि तीन मशीनें मिलके 120 ही बनाए, ठीक है। और जो फाउंड्री है भाई ये अपनी 120 पे 120 ही बनाएगी, मतलब 45 पे 45 बना रही है तो 120 पे 120 ही बनेगा तीन मशीनों के अंदर से। सो मैंने यहाँ पे दो लाइनों का सेटअप किया है, पावर से मैंने कनेक्ट कर दिया और तीन मशीनें एकदम रेडी है चलने के लिए। सो अपना प्लान था कि भाई अपन स्टील बीम और स्टील पाइप का जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर लें, सो यहाँ से अपन वो कर सकते हैं। ओके बस अपने को रिसोर्स चाहिए अब भी। सो भाई रिसोर्स का क्या सीन है कि भाई कोल तो अपने को मिल जाएगा यहाँ नीचे से, ठीक है, नीचे माइंस पड़ी हुई है और आयरन ओर, एक मशीन यहाँ पे आयरन ओर की। सो प्योर था ये, 120 निकाल रही थी। सो एक तो ये ही चाहिए अपने को। ओके चलो नंबर 3 जाके वहाँ से हो जाए कनेक्ट। ओके सो 120 आएगा यहाँ से अपना और ये चला जाएगा इसके अंदर, और यहाँ से स्प्लिट होके तीनों मशीनों के अंदर चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके सो अगर अपन यहाँ पे चल के देखें तो देख रहे उसके अंदर भी उतना ही जाएगा जितना इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर भी एकदम बराबर जाएगा। अगर उसके अंदर एक ही एंट्री हो रही थी सेम टू सेम, सबके अंदर बराबर जाएगा एकदम इक्वल, ठीक है। उस डायरेक्शन में कहीं पे है एक तीन, हाँ ये 743 मीटर दूर है, वहाँ पे करीब तीन नोड्स हैं आयरन ओर के। सो वहाँ से अपन लेके आ सकते हैं आयरन ओर विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे नीचे भाई दो माइनर्स पड़े हुए हैं, ओके इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके सो मैंने वहाँ पे दोनों MK2 बना दिए भाई, ठीक है, दोनों माइनर MK2 में अपग्रेड कर दिए हैं, थोड़ी एनकेस्ट भी बना के, ठीक है, अभी ये MK2 है दोनों, ठीक है, 120 निकाल रहा है दोनों के अंदर से। सो चलो भाई अभी इसको ले आते भाई ऊपर। ओके
ओके सो नीचे की साइड से मैंने दोनों जो लाइनें वो कनेक्ट कर दी हैं और कॉल भी आना भी स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है सो चलो यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। यस सो दोनों लाइनों से कॉल आना जो स्टार्ट हो गया है एंड उसके बाद कॉल भी ऊपर जाके फिल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड साथ साथ ये वाली मशीनें भी जो स्टार्ट भी हो जाएंगी भाई। ठीक है अपनी। ओके गाइस यहाँ पे सब कुछ रेडी है। ओके सो मैंने यहाँ पे एक ट्रक स्टेशन बना दिया है साथ साथ में ये लाइन पूरी वहाँ तक कनेक्ट करके और पावर के लिए मैंने कोल ले आया हूँ भाई नीचे से। ठीक है थोड़ा सा कोल चाहिए जो कि नीचे नीचे की साइड से आ जाएगा जहाँ से अपन लाइन लेके आए थे। ठीक है वहाँ पे एक स्प्लिटर लगा के और मैं ले आया हूँ। ठीक है इधर सो यहाँ से सीधा इसके अंदर। ओके एंड एक ट्रैक्टर भी मैंने बना लिया है सो और मतलब इसके अंदर डाल लिया फ्यूल। ठीक है सो अभी इसका सेटअप भाई अपने को करना है आज। ठीक है सो सेटअप करने से पहले अपने को अपोजिट साइड भी जाना पड़ेगा तो वहाँ पे भी अपने को सेटअप करना पड़ेगा। ओके थोड़ा सो मैं क्या करता हूँ इसकी अभी जरूरत नहीं है। ओके क्योंकि पहले यार अपने को पावर लाइन भी पहुँचानी पड़ेगी वहाँ पे। बिना पावर के वहाँ पे कुछ नहीं होगा। एक नीचे और उसको फोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है नाइस। ओ, एक और नाइस एलियन ऑर्गन्स मिले अपने को इनसे। सो इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा भाई। ठीक है ओके सो गाइस मैंने यहाँ पे MK1 ही बनाया। ठीक है क्योंकि अपने पास यार वो है नहीं एनकेस्ट भी नहीं यार अपने पास MK2 बनाने के लिए। ओके सो जब मैंने MK1 बना दिया और इसके अंदर दो पावर शेड्स लगा दिए ताकि ये 120 पर मिनट निकाल ले। ओके क्योंकि अपने को 120 चाहिए होंगी। और यहाँ पे जो ट्रक स्टेशन अपना बन ही गया। ठीक है पावर मैं यहाँ तक ले आया हूँ और अभी चल के अपन यहाँ पे एक ट्रैक्टर बना देते हैं। ठीक है ओके तो फिर ये वाला रूट अपना जो एकदम सही रहेगा। ओके सो यहाँ पे जो अपने को इसका सेटअप करना है सो चलो भाई और यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है अपने को यहीं पे लेके आना है सो वी पे चलते हैं और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके सो यहाँ पे धीरे धीरे मोड़ना है अपने को। बस पूरा रास्ता अपने को एक बार रिकॉर्ड करना है एक बार जाना है और एक बार आना है। जहाँ पे अपना स्टॉप रहेगा ग्रेट एंड यहाँ से मुड़ के अपने को जाना है वापस। कंप्लीट एंड इसको चल के कर लेते हैं सेव। यस सो ये हो जाएगी आयरन आयरन लाइन वन कर देते हैं। ठीक है चलो सेव एंड यहाँ पे चल के करते हैं लोड और आयरन लाइन वन पे ये ऑलरेडी है सो नो प्रॉब्लम। ओके अब इसके अंदर जाके और ऑटो पायलट जो अपने को अनेबल करना पड़ेगा सो
अनेबल ऑटो पायलट, या लेट्स गो। ओके चलो अब देखते हैं कि भाई वो भर के लाता है कि नहीं। ठीक है, अगर भर के आ गया तो मतलब एकदम सही है सब। ठीक है, तब तक अपन यहाँ पे जो है आग मशीनों का सेटअप कर लेते हैं। ओके फटाफट। क्या ग्रेट। ओ भाई साहब अंधाधुंध चलता है भाई ये ट्रक तो। चलो ये यहाँ से काम सही हो जाएगा अपना, और यहाँ से अपना रिसोर्सेज जो है जाना स्टार्ट भी हो चुका है। सो चलो अभी जो यहाँ पे भाई प्रोडक्शन अपना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ वाला और उस तरफ का तो मैं भी यस हो ही गया स्टार्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे स्टील भी बनना स्टार्ट हो चुकी है और 110 भी बन चुकी है। ग्रेट। सो बस उसका वेट और कर रहे हैं हम लोग। ये मशीनें भी जैसे स्टार्ट हो जाती हैं सबसे जाना भाई रिसोर्सेज पहुँच चुका है यहाँ तक। ओके, जैसे ही मशीन स्टार्ट हो जाएंगी सही हो जाएगा उसके बाद अपना काम। ओके, सो एटलीस्ट इनका प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो ही जाएगा। उसके बाद अपन कुछ रिसर्च वगैरह करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और देखेंगे आगे का मैनेजमेंट। ठीक है भाई। सो यस, अपनी फाउंड्री फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और इंगड़ बन के आना भी स्टार्ट हो गया। ओके सो गाइस, अपने पाइप भी बन के स्टार्ट हो गए भाई। ठीक है, आना स्टार्ट हो गए और एपिसोड तो यार अपना बहुत ही बड़ा हो गया है। ओके, क्योंकि यार थोड़ा मैनेजमेंट आज अपना कुछ नया हमने जो ट्राई किया डिज़ाइन करने का। ठीक है, और मेरे को तो यार ये डिज़ाइन काफ़ी मस्त लग रहा है। ठीक है, बट इसको बनाने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट इधर उधर घुमाने में, फाउंड्री वगैरह इसके ऊपर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। बट आज तो भाई मज़ा आ गया, मतलब ये डिज़ाइन बना के और अपना फाइनली स्टील बीम और स्टील पाइप का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। सो आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा भाई। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।